अस्सलाम वालेकुम नाइन्थियास, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 4, टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि जो कम्युनिकेशन चल रही है, पूरा सिस्टम जो चला रहा है वो अच्छी है। तीन पॉइंट्स पे ये डिपेंडेंट होती है। द फर्स्ट वन इज डिलीवरी, द सेकेंड वन इज एक्यूरेसी एंड थर्ड इज टाइमलीनेस। डिलीवरी क्या है? मस्ट डिलीवर द मैसेज ऑन करेक्ट डेस्टिनेशन, मस्ट रिसीव बाय ओनली डिवाइस टू होम इट इज सेंट। मीन्स के जो मैसेज भेजा जा रहा है वो बिल्कुल अपने एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे। जैसे कि अगर आपने अपना मैसेज जो है अपने फ्रेंड को करना है तो वो उसी को पहुंचे और करेक्ट टाइम पे डिलीवर हो। जैसे व्हेन अ ईमेल इज सेंड टू अ पर्सन, इट रिसीव बाय अ पर्सन टू होम इट एड्रेस। इसके एग्जांपल ये है कि जब आप किसी पर्सन को ईमेल करते हैं तो वो जिसको रिसीव हो रही होती है, उस जो एड्रेस उसको दिया जा रहा होता है वो उसी पर्सन को जाके डिलीवर हो, तो ये हम कहेंगे कि गुड कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट जो है वो डन हो गया। एक्यूरेसी क्या होता है? हमारे पास जो मतलब कोई भी चीज़ हो वो एक्यूरेटली हो रही हो, तो सिस्टम में गुड कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी क्या होगी कि जो भी मैसेज दिया जा रहा है वो एक्यूरेटली विदाउट एनी चेंजेस जो है वो रिसीवर के पास पहुंच जाए। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, व्हेन अ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इट मे करप्टेड ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपने एक फाइल जो है वो सेंड की है, जब वो रिसीवर को मिल रही है तो वो करप्टेड है, या तो करप्टेड है या कंप्लीट डेटा उसे नहीं मिला। करप्टेड इन द मीन कि वो ओपन नहीं हो रही, कोई एरर शो कर रही है। तो ऐसे ऐसे केस में क्या होता है कि या तो आप इसको रिट्रांसमिट करो सोर्स में से, मतलब आप उसको डेटा दोबारा भेजो और इंश्योर करो कि वो प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन वहाँ पे हो रही है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि दो कंप्यूटर कनेक्ट तो हो सकते हैं आपस में, लेकिन उन्हें कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का होना बहुत ज़रूरी है। तो रिट्रांसमिट करने के लिए मतलब डेटा दोबारा सेंडर ने रिसीवर को अगर भेजना है तो वो इंश्योर करें कि प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हो रहा है फॉर कम्युनिकेशन। The next one is timeliness, in which is much important. System must deliver the data without significant delay in timely manner. मतलब आप जो भी data send कर रहे हो वो exact time पे मिले, या अगर delay हो रहा तो वो significant ना हो कि जैसे एक सेकेंड का काम जो है वो अगर 1.5 सेकेंड में भी हो रहा है तो देट इज़ ओके, लेकिन अगर वो इससे भी ज़्यादा जा रहा है तो ये फिर आपकी गुड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। और जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल ये कि जैसे अगर हमारी वर्चुअल क्लासेस होती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही होती, तो ये भी एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। ऑडियो होती, वीडियो होती है तो ऑडियो नहीं हो रही होती, या ऑडियो अगर आपको मिल रही है तो वो बहुत टाइम के बाद मिल रही है। अक्सर आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे होते हो तो समटाइम्स एरर की वजह से इंटरनेट के आपको ये होता है कि एक दूसरे पर्सन की आवाज़ आपको काफ़ी डिले के बाद मिल रही होती है। तो जो लेट डाटा डिलीवर होता है वो मे बी यूजलेस हो, अगर आपको आवाज़ लेट मिल रही है, इमिडिएटली नहीं मिल रही तो वो यूजलेस हो जाता है। इसकी रियल टाइम अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं उनका जो टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा होता है वो मॉनिटर्स के थ्रू किया जा रहा होता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो मॉनिटर को मस्ट इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो डिले कर रहा है मैसेज को पास करने में तो फिर ये एक बड़ा एक्सप्लोजन का कॉज हो सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।